अभी पैट कराया था और बताया था कि लेखपाल की भर्ती बिल्कुल जीरो देंगे नंबर इस सरकार को। मैं तो केवल रोजगार से मतलब है, हमारा तो मतलब अभी पर्पज है कोई भी सरकार हो युवाओं की सुने, मतलब कम से कम कल जो 97,000 के लिए जो धरना कर रहे थे लड़के उनकी कम से कम कल सुननी तो चाहिए थी, कोई आया सुनने? एक रोजगार चाहिए जो प्रयासरत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं रोजगार के लिए। अच्छा तो सरकार को अगर आपको कहा जाए 10 में से नंबर दीजिए तो आप रेल यात्रा कर रहे हैं, इसमें लोग से जो है जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है, आइए बात करते हैं। जी बताएं आपका क्या नाम है? हमारा नाम दीपक यादव है। जी बताएं आप जो है वर्तमान सरकार से आपको संतुष्ट हैं या असंतुष्ट? असंतुष्ट पूर्णतः असंतुष्ट हैं क्योंकि हमने 2018 बैच से BTC किया है और BTC जब से करके अभी तक कोई भी वैकेंसी नहीं आई है वो प्राथमिक में, और जो कि आनी चाहिए थी क्योंकि हर वर्ष ये करा लेते हैं BTC, मतलब 17 बैच निकल गया, 18 निकल गया, 19 निकल गया और अभी तक इन्होंने कोई भी वैकेंसी नहीं दी है, मतलब उसमें बेसिक शिक्षा विभाग में, जबकि लाखों पद खाली हैं आपको भी जानकारी होगी। और ये और हम तो यहाँ लावार रह के तैयारी करते हैं, खर्च भी करते हैं घर से, मतलब अब जो है वो सरकार कुछ निकाल ही नहीं रही है सरकार। और दूसरी बात इसमें ये बताएं हम आपको कि जो 69,000 भर्ती हुई है इसमें घोटाला हुआ है, आपको भी मालूम होगा कि आरक्षण में पहले ये कह रहे थे कि हम सीट नहीं बढ़ाएंगे, अब 6,000 बढ़ा दी इन्होंने, बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? पहले इन्हें को बढ़ानी चाहिए थी तो आरक्षण एकदम सही से लगाना चाहिए था कि नहीं OBC वालों के लिए, ये नुकसान हो रहा है हम लोगों का ही, दो रहा है पढ़ने वाले स्टूडेंट का। और दूसरी बात ये इस सरकार में हर भर्ती में घोटाला हो रहा है, हो रहा कि नहीं? दूसरी बात ये है कि जैसे हमने टेट दिया 28 नवंबर को, हम भी थे उसमें शामिल, अब निरस्त करा दिया, अब फिर अब कोरोना आ गया, अब कब होगा ये टेट? अब हम पढ़ाई कर रहे हैं इसका क्या होगा, मतलब कुछ समझ में नहीं। लोग ने जो है वहाँ पे लखनऊ 97,000 के लिए किया, बिल्कुल किया, हम तो पूरी अपडेट ले रहे थे लेकिन जा नहीं पाए क्योंकि कल हमारा CTET का कानपुर में एग्जाम है। अच्छा। अब कल हो जाएगा, उसके बाद हम जाएंगे लखनऊ, कल वहीं से निकल जाएंगे लखनऊ के लिए। छात्र की मांग है भर्ती के लिए और मतलब किसानों की मांग है कि युवा का मतलब तो हमारे ही तो केवल काफी समय पहले से अभी पैट कराया था और बताया था कि लेखपाल की भर्ती थे तो वो भी कोई भर्ती अभी तक नहीं मिली है, बस युवा क्या एक रोजगार चाहिए जो प्रयासरत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं रोजगार के लिए। अच्छा तो सरकार को अगर आपको कहा जाए बिल्कुल जीरो देंगे नंबर इस सरकार को, अखिलेश सरकार ने फिर भी भर्तियां और ये मतलब सही किया था। अब हम ये नहीं कह रहे कि मतलब वो सरकार ये मतलब हमें तो केवल रोजगार से मतलब है, हमारा तो मतलब अभी पर्पज है कोई भी सरकार हो युवाओं की सुने, मतलब कम से कम कल जो 97,000 के लिए जो धरना कर रहे थे लड़के उनकी कम से कम कल सुननी तो चाहिए थी, कोई आया सुनने? कोई नहीं आया। अब हम यही बता रहे हैं कि मतलब सरकार ये सुनती नहीं है, मेन बात ये है बेरोजगार लड़कों की, ये बात है। इतना प्रदर्शन करने के बाद भी बड़ा मुश्किल से 17,000 वैकेंसी दी है, वो भी मतलब घोषणा की है मंत्री जी ने। हाँ तो मतलब बोले थे अब लाखों मतलब युवा है करीब 18 या 20 लाख BEd और BTC किए हुए, 21 लाख, अब 17,000 से क्या होगा? और जबकि हमें कोई राजनीति से मतलब नहीं है, हम तो केवल अपना बस हम लोगों को रोजगार के लिए अवसर मिलते रहे, अपना टेस्ट दें, नौकरी ले लें, क्यों यहाँ खर्च कर रहे हैं? इलाहाबाद में एक लड़के के कम से कम 8-9 हज़ार खर्च होता है कि नहीं मंथली, और यहाँ रह के मतलब खर्च कर रहे हैं 3 साल से, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं सामने आई, BTC में 2 लाख रुपये हमने खर्च किए और मतलब तो पढ़ाई कर रहे हैं। आपको देखा हमने जो है ट्रेन पे आप जो है पढ़ते हुए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कल हमारा CTET का है, सुबह कानपुर जा रहे हैं। अच्छा सुबह CTET तो सरकार ने तो एग्जाम करवाते हैं, ये तो CTET का एग्जाम है, वो भी ये 17 तारीख, वो तो हर साल होता है, साल में दो साल होता है मतलब साल में 2 बार होता है ये, और ये CTET से क्या कोई वैकेंसी थोड़ी है? कौन सी सरकार? ये सरकार का थोड़ी है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का नहीं है, ये तो सेंट्रल का है, गवर्नमेंट का, यहाँ UP का नहीं कुछ। अभी था तो UP सरकार। आपने ये क्वेश्चन किया, हम बता रहे हैं इसका, CTET 2019 वाला टेट हमारा निकला रखा है, ठीक है 19 में दिया, फिर उसके बाद CTET ये जनवरी में हुआ था, जूनियर प्राइमरी दोनों हमारा निकला रखा है, ठीक है, अब वैकेंसी नहीं आ रही तो इसका क्या करेंगे हम, बताओ? और ये SI की अभी भर्ती हुई थी हाल फिलहाल में कुछ? अब SI की हमें नहीं, हम तो AC की कर रहे हैं, प्राइमरी की और TGT PGT। अच्छा
अच्छा, मतलब मेन हमारा दो भर्तियों पे फोकस है। अच्छा, हमने बीएड भी किया है और बीटीसी भी किया है। अच्छा, आगे के लिए आप आप क्या कर रहे हैं अभी? हमारा अभी मेरा बीएड हो गया है और टेट क्वालिफाई है, बस प्रिपरेशन में लगे हैं जॉब का। जी हाँ, वैकेंसी आए तो कुछ हो, भला हो जाए, नौकरी वोकरी लग जाए थोड़ा सा, बस तैयारी में लगे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? हम तो जा रहे हैं घर। अब अच्छा, अपने घर जा रहे हैं। जी, तैयारी व्यारी कहाँ से करते हैं? हम तो वहाँ फरकाबाद में ही रहते हैं घर पर ही। हाँ, टेट मेरा भी निकल चुका है, सीटेट भी निकल चुका है। अच्छा, हाँ, 7 तारीख को मेरा भी एग्जाम है। हमारे छोटे भाई हैं, उनका अभी एडिट का आया था, तो एडिट का वो भी क्वालिफाई करके 91 नंबर से, वो उनका उसका इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी लगे पड़े हैं। यहाँ भ्रष्टाचार जूनियर में एडिट वाली जो हुई है उसमें भी पेपर आउट हुआ था, उसका गवर्नमेंट ने मतलब निरस्त नहीं कराया, और टेट का थोड़ी सुन ली, बस लड़के जब बाहर आए तब तक पेपर आउट, हम भी दे रहे थे उसमें अंदर, जब पूरा हो गया हम बाहर निकले, देखा कि मतलब पेपर आउट हो गया, नोटिस मतलब देखा फोन, हाँ हमारा तो पूरा हो गया, मतलब पूरा उन्होंने बताया ही नहीं स्कूल वालों ने, ये बात थी, ये प्रॉब्लम। Audio Jungle.